तो हम मैम ध्यान तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्वाध्याय यहाँ पे कितना ज़रूरी है उसके महत्व को जानना चाहेंगे। जी नम्रता, क्योंकि स्वाध्याय पति सर ने बहुत सुंदर तरीके से जैसे हमें बताया है 3:2:1 कि 3 आवर्स आप मेडिटेशन करो, 2 आवर्स स्वाध्याय करो और 1 आवर आप सज्जन सांगत्य करो। यानी कि आपने जो अनुभव लिया, आपने मेडिटेशन 3 घंटे करके या 2 घंटे करके जो अनुभव लिया उसको हमें सज्जन सांगत्य करना है, और साथ में स्वाध्याय इसलिए करना है कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। दूसरे जो मास्टर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है या सुना है, जैसे लोबसंग रामपा जी हैं, ल्यूस एल हे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से अपने पुस्तकों को लिखा, और जब उनको हम पढ़ते हैं और उनके अनुभव को जानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। और जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो हम दूसरों को भी वो अनुभव बता सकते हैं, क्योंकि अनुभव से ही तो आप अपना ज्ञान साझा करेंगे जी। किताबी ज्ञान साझा नहीं किया जा सकता, जब तक मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं होगा, मैं उसे समझूंगी नहीं, तब तक मैं उसको दूसरों के साथ नहीं शेयर कर सकती। इसलिए पति सर ने बहुत सुंदर तरीके से 3:2:1 का रेशियो जो बताया है कि 3 घंटे आप ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय करो और 1 आवर आप सज्जन सांगत्य करो। स्वाध्याय भी ऐसे नहीं करना कि आपने लिया और पढ़ लिया, नहीं, स्वाध्याय यानी आप अपनी आत्मा के अध्ययन को समझ रहे हैं, आत्मा के स्तर पर जो अध्ययन करें उसे समझ रहे हैं। मान लीजिए आपको आदत नहीं है, आपने 1 घंटा या 2 घंटा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 पेज 4 पेज 5 पेज का नियम बनाइए। एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए उस पेज को, 4 बार पढ़िए और पिरामिड लगा के पढ़िए, पिरामिड कैप्स लगाइए या पिरामिड के नीचे बैठ के बैठ पढ़िए, तो आपको उसका सारांश समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहना चाहा। उसके आप की पॉइंट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और उसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके जीवन में धीरे धीरे स्वाध्याय के द्वारा भी बदलाव आता है। खाली ज्ञान ध्यान के अनुसार आप जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आपको बदलाव जो आ रहा है वो स्वाध्याय मिला के दोनों चीज़ें आपको बदलाव जीवन में देती हैं। तो स्वाध्याय भी उतना ही जरूरी है जितना ध्यान।